Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you are new to this channel, please subscribe my channel. And जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो मीशो टॉप्स के ऊपर है. मीशो में से मैंने बजट टॉप्स ऑर्डर किए थे, 4-5 कुछ टॉप्स हैं मेरे जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे. एंड द स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 150 rupees. बहुत ही बेसिक्स मैंने ऑर्डर किए हैं इस बार. ये मैंने मेरा जो पर्पस था, जैसे आप इसे ऑफिस में वेयर कर सकते हो, तो मैं आपको एक एक करके आपको सारे टॉप्स दिखाती हूँ. मैं टॉप्स की ना पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी कि क्योंकि मीशो पे ऐसे बहुत बार होता है कि आप मंगवाते कुछ और कुछ और जाता है. ये मैंने रेड कलर की प्लेन सी टी शर्ट ऑर्डर की है. निटेड फैब्रिक का है ये एंड स्ट्रेचेबल इसका मटेरियल एंड कुछ स्लीवलेस एंड लाइक नॉर्मल इसकी लेंथ है. आप इसे टक करके स्टाइल करोगे तो बहुत ही स्मार्ट लगेगा. आप इसे जीन्स के साथ, ट्राउजर के साथ आप स्टाइल कर सकते हो. और ये इस हॉल का सबसे सस्ता टॉप है, अराउंड 160. मैं एग्जैक्ट प्राइस इसका चेक करके आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. एंड आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हो कि इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही अच्छी आई है. मुझे थोड़ा सा डाउट था, मे भी हो सकता है कि इसकी फिटिंग मुझे अच्छी ना आए, बट नहीं, इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही अच्छी आई है. एंड मैं इसे ऑफिस में, मतलब मैंने ऑफिस के लिए ये सारे टॉप ऑर्डर किए हैं कि हाँ बेसिक्स जैसे हमें ये डेली वेयर में हम इन्हें स्टाइल करें. सो ये टी शर्ट लुक में है. एंड इसका जो नेक है वो टर्टल वाला नेक है, मतलब प्रॉपर हाई नेक बोल सकते हो या फिर टर्टल नेक बोल सकते हो. बहुत ही स्मार्ट लगा, मतलब 160 rupees या फिर 150, मतलब वॉट लाइक अराउंड ऑफ यही था. आपको अगर इस प्राइस रेंज में टॉप मिल रहा है, वो भी आपको न्यू मिल रहा है, तो और वो भी घर बैठे मिल रहा है, तो सबसे बहुत ही अच्छी डील है. क्योंकि अगर आप इनके इस सरोजनी से लेते हो या फिर कहीं से भी लेते हो, तो वहाँ पे भी आपको 150, 100, 200 के अराउंड में ही मिलते हैं. बट आपको घर बैठे अगर आपको 150 के रेंज में टॉप मिल रहा है इस टाइप का, तो डेफिनेटली स्टील डील है वो. तो मैं आपको नेक्स्ट टॉप दिखाती हूँ. हमारा नेक्स्ट है, ये भी टी शर्ट लुक में ही है एंड इसके ऊपर लेपर्ड प्रिंट है. और ये भी सेम जैसे उसका नेक था वैसे ही हाई नेक है. एंड इसकी भी मैं पिक्चर आपको इंसर्ट कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पे. लेंथ भी सेम ही पहले वाले टॉप की तरह है कि आप इसे टक करके स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड अभी मैंने जस्ट देखा, जब मैं अभी चेक कर रही थी, ये देखो मुझे जो टॉप रिसीव हुआ है ना, ये डिफेक्टिव है. लेट मी शो यू. हाँ गया, अभी तो था मेरे हाथ में आया था अभी. हाँ ये देखो गाइस, ये टॉप मुझे डिफेक्टिव रिसीव हुआ है. मैं इसको या तो रिटर्न पे डालती हूँ या फिर एक्सचेंज में देखती हूँ. वैसे ये फटा नहीं है, यहाँ से बस इसकी सिलाई निकली हुई है. तो ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा था मे बी हो सकता है ये लूज आए, मतलब जैसे पिक्चर में है ये बॉडीकॉन ऐसा ना हो, मे बी हो सकता है, मुझे लग रहा था, काफ़ी डाउट था. एंड इसका प्राइस भी कुछ अराउंड 200 के था, तो ये भी मुझे, बट नहीं, इसकी भी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी आई है. मैंने जो सारे ही टॉप ऑर्डर किए हैं वो एक्सेस साइज में ऑर्डर किए हैं. आप देख सकते हो मैंने ये भी एक्सेस में ही ऑर्डर किया, पहले वाला भी एक्सेस में ही ऑर्डर किया था. तो अगर आपको इस लुक में एक टॉप मिल रहा है 200 की रेंज में, तो वो बहुत ही अच्छी डील है. और मैं सारे ही टॉप्स के लिंक्स ना अगेन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. इन केस आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो. एंड मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड टॉप. ये हमारा थर्ड टॉप है और ये मैंने ना बहुत लोगों के पास देख लिया था, ठीक है. तो मुझे था एक्सपेक्टेड किया ठीक ही आएगा, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक दो वीडियोज में देख चुकी हूँ मैं. तो ये इसका जो फैब्रिक है, ये पहले वाले फैब्रिक से थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट तो है, बट हाँ हल्का सा ना रफ जैसे इसका फैब्रिक है. एंड स्लीव्स यहाँ पर पफी स्लीव्स इन्होंने दी हुई है. और आगे से जो नेक है स्वीट हार्ट कट में है. और ये भी एक्सेस में ही मैंने ऑर्डर किया है. जो इसका प्रिंट था ना, मुझे ये प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ब्लैक इसके ऊपर, वाइट टॉप के ऊपर ब्लैक कुछ स्टार्स बनाए हुए हैं, मे बी हाँ स्टार्स ही हैं. आप कमेंट करके बताओ ये क्या है, ये प्रिंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मे बी ये स्टार्स ही हैं. आप इन्हें टक करके स्टाइल करोगे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेगा ये भी. और ये कुछ इस टाइप का लुक है. ये भी अप्रॉक्सीमेटली मुझे मुझे 230-220 के अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये वाला टॉप भी पड़ा था. और इसका भी फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एज़ पर द प्राइस पॉइंट. अगेन
मुझे सारे ही टॉप अभी तक के तीनों टॉप मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मीशो से मतलब मुझे इतने अच्छे टॉप मिल जाएंगे। मुझे यही था कि एक आधी टॉप तो मुझे ना बेकार मिलेगा ही मिलेगा, बट नो, ये टॉप भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। मतलब सारे ही इसके जो जो प्राइस पॉइंट पे सारे ही टॉप्स अच्छे हैं मीशो के। एंड अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉप की तरफ। ये वाले टॉप को मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सेम ही लेंथ का है ये वाला टॉप भी, इसको भी आपको टक करना पड़ेगा। एंड ये भी मैंने एक्सेस साइज में ही ऑर्डर किया है। हाँ एक्सेस ही है, नहीं इसमें साइज ही नहीं लिखा हुआ, पर ये मैंने एक्सेस में ही ऑर्डर किया है ये टॉप भी। और ये भी शायद 230 का कुछ था ये वाला टॉप। ये सारे टॉप्स में से ये सबसे ज़्यादा, मतलब 10-20 रुपये एक्स्ट्रा था, मतलब 230 के अप्रॉक्सीमेटली था ये वाला टॉप भी। एंड इसकी जो स्लीव्स है ये ना कुछ बैलून, मतलब पूरा लाइक हम से पफी स्लीव्स दी हुई है इन्होंने। और इसका जो नेक है आगे से इन्होंने स्वीट हार्ट लुक दिया हुआ है, एंड पीछे से इन्होंने ऐसे स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पर इलास्टिक है बैक पे। और सेम यहाँ पर इन्होंने ना स्लीव्स पे भी इलास्टिक दी हुई है। आप जैसे अभी ट्राई ऑन में देखोगे कि यहाँ से तो ऊपर शोल्डर पे इलास्टिक नहीं है, बट हाँ जो स्लीव्स पे आ रही है ये इलास्टिक है ये। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है ये इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर इसे मार्क बन जाते हैं इलास्टिक से, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ट्राई किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये टॉप थोड़ा सा इरिटेटिंग सिर्फ इलास्टिक की वजह से, या अदरवाइज इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। फैब्रिक चारों ही टॉप्स के बहुत अच्छे हैं, एंड लुक भी काफ़ी अच्छा आपको, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लुक में है। एक सिंपल टी शर्ट है, दो टॉप्स हैं, मतलब वो भी अलग टी शर्ट टॉप टाइप लुक में है, एंड ये प्रॉपर ही टॉप है। तो सारे ही लुक अलग अलग हैं, एंड प्राइस भी आप बोल सकते हो राउंड ऑफ 200 या 200 की रेंज में मुझे चारों टॉप मिले हैं। बहुत ही अच्छी डील मिली है मुझे इस बार मीशो से। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा ये वाला हॉल इतना ज़्यादा अच्छा होगा मीशो का, कि हाँ मुझे सारे ही टॉप पसंद आ जाएंगे। मुझे था कि इनकेस एक आधी टॉप मुझे ना अच्छा लगे और जो उन्होंने इमेज में दिया है वो ना हो ऐसा रियल में, बट नहीं, सारे ही टॉप नो डाउट अच्छे आए हैं मेरी साइड से। तो मैं ये सारे टॉप को रिकमेंड करती हूँ। अगर इनमें से आपको जो भी टॉप लेना हो आप ले सकते हो, किसी भी टॉप में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हाँ ये टॉप नहीं है। बस ब्लैक वाले टॉप में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक था जो इलास्टिक वाला था, वो इरिटेटिंग है। अगर इनके साथ उसे इग्नोर करके आप पहन सकते हो तो डेफिनेटली आप उसे भी ले सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आप इन चारों टॉप्स में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा टॉप कौन सा लगा है। वैसे तो चारों ही टॉप बेसिक अपनी ही जगह पे चारों ही टॉप अच्छे थे, और बेसिक से ऐसा कुछ उनमें अलग तो नहीं था, मतलब बहुत बेसिक से टॉप थे। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी रिकमेंडेशन देनी हो, आप कोई और हॉल बनाऊँ, कोई और किसी कैटेगरी में जाऊँ, या फिर मीशो के ही कोई डिफरेंट कैटेगरी में जाऊँ, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो कमेंट करके। देन मैं नेक्स्ट टाइम उसी का ट्राई करूँगी कि वही हॉल में लेकर आऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो बाय।